हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोच फॉर द सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो टिम्बर इसके पहले हमने पहले वीडियो में टिम्बर पढ़ा था। ठीक है, तो वो पहला पार्ट था एक्चुअली कन्वर्जन ऑफ द टिम्बर, ये बचा हुआ था। ठीक है, इसको कैसे हम कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो मतलब उसको शेप कैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर कटिंग करते किस हिसाब से कटिंग करते, कटिंग के बेस पे उसको जो मेथड बोला गया, तो कन्वर्जन ऑफ द टिम्बर, तो इसमें पहला हो जाता है अपना ऑर्डनरी मेथड। ठीक है, ऑर्डनरी मेथड में क्या करते हैं, ऑर्डनरी मेथड में क्या होता है, इन दिस द सेसर्स आर मेड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग। ठीक है, तो ये आपका बता रहे थे हम, आपको पहले बताया कि ये जो रिंग दिख रहा है ये सब एनुअल रिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कट होता है जो हम प्रोवाइड करते हैं वो एनुअल रिंग के, देखिए आप देखिए एक टेंजेंशियल है फिर दूसरे एनुअल रिंग के टेंजेंशियल इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से कट हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कटिंग होता है उसे ऑर्डनरी मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो लाइबल टू द ट्विस्ट आर वाइव ड्यू टू द अनइक्वल श्रिंकेज इन द सैप एंड हार्डवुड। ठीक है, वेस्टेज मिनिमम। ठीक है, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो वेस्टेज होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमिकल होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें ये हो जाती है कि अनइक्वल श्रिंकेज की वजह से जो होता है सैपवुड और हार्डवुड में क्या होता है, सैपवुड हार्डवुड क्या होता है प्रीवियस वीडियो में बताया। ठीक है, उसमें ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, वार्पिंग आ जाता है, ट्विस्टिंग हो जाता है, ऐठन आ जाता है। ठीक है, अगला मेथड हो जाता है क्वार्टर सॉइंग मेथड। क्वार्टर सॉइंग मेथड में क्या होता है कि जो हमारा टिम्बर होता है, ठीक है, जो टिम्बर का हमारा होता है, तो उसमें क्या होता है कि टिम्बर को जो है हम इस तरह से कट करते हैं, जैसे कि आपको ये जो साइडेड वाला पोर्शन दिख रहा है इस तरह से कुछ कट निकलता है, फिर ऐसे कट करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे कट करेंगे। ठीक है, तो एल शेप का इस तरह से एक हमें पीस मिल जाता है। ठीक है, उसको क्वार्टर सॉइंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए बोला गया कट अ राइट एंगल। ठीक है, जनरली अडॉप्ट वन द इनडिस्टिंक्ट मॉडुलर रेज। ठीक है, जो मॉडुलर रेज होते हैं जब वो इनडिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब इनडिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, इनविजिबल। ठीक है, इनडिस्टिंक्ट का मतलब इनविजिबल होते हैं। ठीक है, दिखता नहीं है, तो उस हिसाब से जो है तब हम इस तरह कटिंग करते हैं। ठीक है, जो मॉडुलर रेज हमारे हैं ये मॉडुलर रेज है। ठीक है, तो जो मॉडुलर रेज नहीं दिखते हैं तो इस टाइप की हम कटिंग कर देते हैं। ठीक है, लाइबल टू द बेंड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, लाइबल टू द बेंड इन ट्रांसवर्स, इस टाइप के कटिंग का जो पीस हमें बनता है तो उसमें जो होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बेंडिंग होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगला हो जाता है टेंजेंशियल ट्रॉन्ग। टेंजेंशियल ट्रॉन्ग में क्या होता है कि जैसे ये हमारा एनुअल रेज है, ठीक है, तो हम यहाँ से इस तरह से कट करते हैं, तो इस तरह से ये बीच वाला जो पोर्शन है इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर या कह सकते हैं कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हमें मिलता है। ठीक है, कट आर मेड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग विच मीट अदर एट राइट एंगल। ठीक है, वही चीज़ बोला कि मतलब एक बार इधर से कट करेंगे, फिर इधर से, तो बीच वाला जो पोर्शन है इस तरह से रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का क्रॉस सेक्शन हमें मिलता है। एडाउट फॉर द सेक्शन हैव द इनडिस्टिंक्ट मॉडुलर रेंज बट डिस्टिंक्ट फॉर द एनुअल रिंग। बोल रहा है कि मतलब इस तरह का कटिंग हम तब यूज करते हैं जो मॉडुलर रेज, ये जो मॉडुलर रेज है ये मतलब विजिबल नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन एनुअल रिंग, ये जो एनुअल रिंग है ये दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस केस में इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये और एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सेक्शन इससे मिलता है, इस तरह जब हम कटिंग करते हैं जो सेक्शन मिलता है वो एक्चुअली वीकेस्ट होता है। वीकेस्ट क्यों होता है कि इस तरह से जब कटिंग हम कर देते हैं तो ये जो मॉडुलर रेज होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, एक लेयर को दूसरे लेयर से बांध के रखते हैं। ठीक है, तो जब हम इस तरह से कटिंग कर देते हैं तो हमारा जो मॉडुलर रेज है वो एक्चुअली कट जाता है। ठीक है, तो उतना मतलब कटने की वजह से जो है जो हमारा पीस बनता है उसमें स्ट्रेंथ कम हो जाता है, वीक हो जाता है। अगला हो जाता है रेडियल सॉविंग। रेडियल सॉविंग क्या होता है, जैसे ये मॉडुलर रेज है इसी के डायरेक्शन में हम कटिंग कर देते हैं। ठीक है, आपको ये साइडेड पोर्शन दिख रहा होगा, हल्का सा रेडियल साइडेड पोर्शन, इस तरह का हमें पीस मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, तो इस तरह पीस मिल जाता है। ठीक है, कट मेड पैरेलल टू द मॉडुलर रेज। यहाँ पे देखिए मॉडुलर रेज यानी कि यही मॉडुलर रेज है, इसके पैरेलल हम जो कटिंग कर देते हैं। ऑप्टन सेक्शन स्ट्रांगेस्ट अमंग द आल एंड रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ वॉल। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि रेडियल सॉविंग से जो हमें टिम्बर मिलता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है, अब आप देखिए जब इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो ये जो मॉडुलर रेज बीच में ऐसे आ जाते हैं, तो मॉडुलर रेज क्या होता है कि जैसे ये अलग अलग लेयर हैं तो एक लेयर को दूसरे लेयर से बांधने का काम करता है, तो इस सॉविंग में जो मॉडुलर रेज कटता नहीं है, तो इस वजह से जो होता है इस तरह कटिंग में जो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वेस्टेज भी लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी।
ठीक है। वेस्टेज भी लेकिन स्ट्रॉन्गेज तो ज़्यादा होता है, जैसे इस तरह से कटिंग हम प्रोवाइड करेंगे तो जो हमें पीस मिलेगा वो स्ट्रांग तो होगा, लेकिन इस तरह कटिंग में वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी है, ऑप्टेन सेक्शन आर आल्सो गुड एंड डेकोरेटिव, ठीक है। इस तरह जब कटिंग करते हैं तो जो सेक्शन मिलता है वो भी लुकिंग वाइज अच्छा होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा रेडियल, क्वार्टर, ऑर्डनरी एंड टेंजेंशियल कटिंग, ठीक है, अलग अलग टाइप की कटिंग। तो स्ट्रेंथ, अगर ये जो कटिंग है इस तरह के अलग अलग मेथड से हम कटिंग करते हैं तो स्ट्रेंथ वाइज देखें तो रेडियल कटिंग में स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ये वाली कटिंग में स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद क्वार्टर होता है, फिर ऑर्डनरी होता है, फिर टेंजेंशियल। टेंजेंशियल कटिंग में सबसे कम स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। और वेस्टेज की अगर बात करें, जैसे हम कट करते हैं तो कुछ वेस्टेज भी होते हैं ना, कुछ ख़राब लकड़ियाँ भी हो जाती हैं जो कि वो किसी काम के नहीं आ जाती हैं, ठीक है। तो वेस्टेज भी इसी शेप में, ठीक है। रेडियल में वेस्टेज ज़्यादा होता है जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, और टेंजेंशियल में वेस्टेज सबसे कम होता है। तो वेस्टेज तो टेंजेंशियल सबसे कम होता है लेकिन उस तरह कटिंग में जो स्ट्रेंथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक आध बार इस पर पूछा है इसलिए हम उसको स्पेशली यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। तो टिम्बर में बचा हुआ पोर्शन था कन्वर्जन ऑफ द टिम्बर, ठीक है, तो ये भी कर फिनिश हो गया है। तो टिम्बर टॉपिक तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब अगला हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे पेंट, ठीक है, और पेंट वगैरह पढ़ेंगे फिर हम। ओके, बाय, थैंक यू।